डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि आप जानते होंगे, 10th क्लास के जो साइंस में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, वो एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल ये चैप्टर का है। आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। अब आइए सेकेंड पढ़ते हैं, एक वृत्त के चतुर्थांश। अब चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ? वृत्त को अगर चार भाग में बांटेंगे तो उसका एक भाग, यानी देख लीजिए, हम आपको चतुर्थांश समझा देते हैं। जैसे मान लिया कि एक वृत्त है, जब इस वृत्त को का केंद्र O है, अब जब इस वृत्त को चार भाग में बांटेंगे ना हम लोग, तब एक किसी एक भाग को कह देंगे चतुर्थांश। इसको भी खाली चतुर्थांश कह सकते हैं, नहीं तो इसको नहीं बोलना चाहेंगे तो इसको भी बोल सकते हैं। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी वृत्त का अगर चार भाग अगर करते हैं तो उस चार भाग में एक भाग को वृत्त का चतुर्थांश कहा जाता है, वृत्त का चतुर्थांश कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर लिखा हुआ है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ? एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है। और आपको चतुर्थांश में एक और बात पता होना चाहिए कि चतुर्थांश में सब कोण जो है 90-90 डिग्री का होता है, 90-90 डिग्री का होता है, क्लियर? तो कहीं भी चतुर्थांश बोले ना तो समझना है कि वृत्त के चार भाग का एक भाग। तो चलिए चतुर्थांश का फिगर बना लीजिए। दूसरा का फिगर कैसे बनेगा? तो एक वृत्त बनाइएगा और एक केंद्र है, अब इससे जो है डॉट डॉट लाइन से चार भाग कीजिएगा, सीधा सीधा लाइन, और चतुर्थांश ये वाला किसी एक को कह दीजिए चतुर्थांश, ये और ये हो गया हम लोगों का चतुर्थांश। और इसके बीच में हमेशा कितना डिग्री बनता है चतुर्थांश का? 90 डिग्री। और ये हो गया हम लोगों का चतुर्थांश, ठीक। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमको क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थांश तो इसको कहते हैं जो कलरफुल है, कलरफुल एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्थांश। तो ये हम लोगों का चतुर्थांश बन गया, और इसी का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका कौन सा डिग्री, सॉरी पहला क्वेश्चन में जिसकी परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है, इतना ही क्वेश्चन है। हमको यहां से परिधि दिया है, परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। कौन सी की परिधि? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है। और हमको निकालना कौन सी है? तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। सवाल समझो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। खाली चतुर्थांश बोल दे तो आपको समझना चाहिए कि कोण कितना बनता है, एक भाग का 90 डिग्री, और चतुर्थांश इसको कहते हैं। तो आपको चतुर्थांश जो है इसका नाम दे दीजिए ओ, ए ओ बी ए, ए ओ बी ए। ये जो चतुर्थांश दिख रहा है एक तरीके का त्रिज्यखंड भी है, क्योंकि त्रिज्यखंड में हम लोग करते क्या हैं, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर त्रिज्या का मिलाते हैं, यानी कि दो त्रिज्या को जब मिला देंगे उससे त्रिज्यखंड बनता है। खैर, इसमें तो त्रिज्या कुछ नहीं दिया है कि वृत्त का त्रिज्या कितना है। तो वृत्त का परिधि होता है ना भाई, फार्मूला याद करवाया ना, वृत्त की परिधि 2πr होता है, ठीक है? तो वृत्त का परिधि याद रख लेना 2πr। तो ये फार्मूला होता है, इसके जगह पे रख दिया, इधर रख दिया 22। अब 2 × π का वैल्यू कितना होता है? 22/7 × r = 22। अब इसको हम लोग 2 को 22 से करेंगे तो 44/7 × r = 22, ठीक है? तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वृत्त की परिधि यहाँ पे 2πr क्यों लिखे हैं, तो अगर नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा कि वृत्त की परिधि का सूत्र ही होता है 2πr, इसका फार्मूला ही होता है 2πr।
तो इसके जगह पे 2πr और इसका वैल्यू 22 था। तो यहाँ से r कैसे निकालेंगे हम लोग, तो जब r का वैल्यू निकालना होगा तो 44/7 है तो इधर जाता है तो बदल जाता है, इधर तो 22 का 22 ही रहेगा, इधर 44/7 है, जैसे बराबर के उस तरफ जाएगा तो 7/44 हो जाएगा, यानी कि 22 से कट जाएगा तो r का मान हो जाएगा 7/2। ठीक है, अब हम आते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो आप भाई चतुर्थांश बोलो, चतुर्थांश बोलो, या इसी को त्रिज्यखंड भी बोल सकते हैं। देख लीजिए, क्योंकि ये जो चतुर्थांश बन रहा है एक त्रिज्यखंड, एक त्रिभुज के जैसा ना होता है। त्रिज्यखंड का मतलब बताए थे कि एक वृत्त के केंद्र से दो त्रिज्याएं जब इसको टच करती हैं वृत्त को, तो इस वाले भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं, और इस त्रिज्यखंड का हमें निकालना है, और यही ना एक तरीके का चतुर्थांश भी हो रहा है, तो इसलिए आप इसको चतुर्थांश बोलिए चाहे त्रिज्यखंड बोलिए का क्षेत्रफल। तो यहाँ चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है थीटा बट्टा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ थीटा कितना रखेंगे हम लोग, थीटा यानी कि कोण कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ 90 रखेंगे, बट्टा में कितना रखेंगे 360 गुना। अब इस पाई का मान कितना रखेंगे 22/7। आर का स्क्वायर करना है, आर स्क्वायर का मतलब आर का वैल्यू 7/2 है, तो 7/2 का होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से हो जाएगा 90/360 गुने 22/7। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर 49, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो नीचे लिखेंगे 4। अब इसको कटम कुटम करके आप आंसर इसका ला दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, आ जाएगा आंसर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना बोल रहा था। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है थर्ड क्वेश्चन में, देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अब हम घड़ी में जरा बात कर लेते हैं, घड़ी के बारे में समझ लेते हैं कि घड़ी में क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि घड़ी में अक्सर 3 सुइयां होती है, ये मान लिया घड़ी है, और जो घड़ी में कितनी सुइयां होती है 3 सुइयां, और तीनों सुइयां जो है केंद्र पर टिकी हुई होती है। ठीक है, एक को बोलते हैं घंटा का सुई, और एक को बोलते हैं मिनट का सुई, और एक को बोलते हैं सेकंड का सुई। और आपको पता होना चाहिए कि जो घंटा का सुई होता है वो सबसे छोटा सुई होता है, सबसे छोटा सुई होता है, और जो मिनट का सुई होता है, आप किसी भी घड़ी में देख लीजिएगा, मिनट का सुई का लंबाई जो है सबसे बड़ा होता है। कितने लोगों को लगता होगा कि सेकेंड वाला बड़ा होता है, आप जो है ना सुई को अच्छे से देखिएगा, नज़दीक से देखिएगा, तो पता चलेगा कि सबसे बड़ा मिनट वाला होता है और सबसे छोटा घंटा वाला, और जो बीचों बीच है वो सेकेंड जो है, सेकेंड का जो सुई है वो मध्य में होता है। यानी कि सबसे छोटा सुई कौन है, तो सबसे छोटा सुई है आपका घंटा, घंटा के सुई का लंबाई सबसे छोटा होता है, और सबसे बड़ा किसका होता है भाई, तो मिनट वाला होता है, और सेकेंड जो है मध्य में होता है, ये दोनों के बीच में लंबाई उसकी होती है, या बोले तो मिनट से थोड़ा सा छोटा होता है सेकेंड वाला। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो घड़ी में किया रहता है, यहाँ रहता है 12, यहाँ रहता है 6, यहाँ रहता है 3, यहाँ रहता है 9, और इधर बाकी 1 रहा, इधर 2 रहा, इधर 4 रहा, इधर 5 रहा, इधर 7 रहा, 8 रहा, 10 रहा, 11 रहा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये हम लोगों का एक घड़ी का स्ट्रक्चर है।
ये घड़ी हो गया, ये हम लोग समझ गए कि घंटा मिनट की सुई का लंबाई कितना है। ठीक है, तो सबसे लंबाई, बड़ा लंबाई किसका होता है? मिनट का। ठीक है, अब आपको जानना चाहिए कि मिनट की सुई, जैसे मान लिया कि 12 पर है, मिनट वाला सुई, कौन वाला सुई? मिनट। और जब ये मिनट का सुई एक पर के चल जाता है तो हम बोलते हैं कि 5 मिनट का टाइम हो गया। ठीक है, जैसे मान लिया कि अभी मिनट का सुई एक पर है और 8 बज रहा, तो हम बोलते हैं घंटा का सुई 8 पर है, तो बोलते हैं कि 8:05। ठीक है, और जब यही एक पर से 2 पर आ जाता है मिनट वाला, तब हम कहते हैं कि 8:10 हुआ। यानी कि जब एक गैपिंग होता है तो 5 मिनट उसको काउंट करते हैं। क्लियर? अब आपको जानना चाहिए कि मिनट की जो सुई है एक मिनट में, एकदम याद रखना चाहिए कि मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 6 डिग्री का कोण बनाती है, क्यों भाई? इसलिए क्योंकि टोटल कितना मिनट का होता है? टोटल तो 60 मिनट का हुआ ना। जैसे मान लिया कि मिनट वाला सुई घूमते 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 अगर 12 तक के पहुंच गया, तब हम बोलेंगे कि 60 मिनट, यानी कि वो 8 के बजाय फिर 9 बज जाएगा, है ना। तो जब एक मिनट में 6 डिग्री बनेगा, तभी ना 60 मिनट में 6 से गुना करेंगे तो 360 डिग्री बनता है। एक बिंदु के चारों ओर जब हम लोग घूमते हैं तब 360 डिग्री बनता है, और जब एक रेखा पर, एक सीधी रेखा पर एक तरफ का कोण जो बनता है 180 और नीचे भी 180, तो टोटल मिला के चारों तरफ अगर एक बार एक चक्कर घूम जाएंगे हम तो 360 डिग्री का बनेगा। तो ध्यान रखना कि ये 6 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि कुल मिलाकर एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, और एक बिंदु के चारों ओर जब मिनट की सुई घूमेगी तो 60 मिनट का टाइम लेगी। ठीक है, जैसे मान लिया कि 12 से मिनट वाला सुई चलना शुरू किया है, तो फिर से 12 तक आने में उसको 60 मिनट दूरी तय करना पड़ेगा, और यही 60 मिनट हो जाएगा 360 के बराबर। तो एक मिनट में कितना, तो 60 इधर गुना में है तो 60 से भाग कर दीजिए, तो याद रखिएगा 6 आएगा, कि एक मिनट में कितना डिग्री मिनट की सुई बनाती है? 6 डिग्री। क्लियर? ये चीजें याद रहना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हम आपको समझा रहे थे। अब आइए मेन क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो एक घड़ी बना लियो आप, घड़ी में दिखा देना है 12 इधर 6 इधर 3 इधर 9, बाकी इधर समझ जाइए कि 1 2 है, 4 5 है, 7 8 है, 10 11 है। ठीक, अब यहाँ पे केंद्र हो गया जहाँ से सुई टिकेगा। बोल रहा है कि घड़ी की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई, तो मिनट की सुई तो सबसे बड़ा होता है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया, अब मिनट की सुई हम बना दिए, सबसे लंबाई बड़ा होता है ना मिनट का, तो चलो ये हो गया मिनट का, इसका लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये सुई अभी कहाँ पर है, तो 1 2 पर है, और जब 5 मिनट का दूरी तय करेगा तो यहाँ तक के सुई आएगा नहीं, अरे 2 पर है तो 5 मिनट का दूरी यहाँ तक के तय करने में कितना पर जाएगा, तो 5 मिनट में 2 पर है तो 3 पर जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसको हम लोग 3 पर कर दिए, तो 3 पर जाने में यानी कि 5 मिनट में वो कितना क्षेत्रफल, तो जब मिनट की सुई 2 से लेकर 3 तक के आएगा तो वो 5 मिनट का डिस्टेंस तय करेगा, तो 5 मिनट का डिस्टेंस तय करेगा, तो यहाँ से देख पा रहे होंगे ये वाला क्षेत्रफल हमको निकालना है, यहाँ से यहाँ तक कितना आया, वो यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट आया। अब हम जानते हैं थीटा के बारे में कि एक मिनट में
कितना डिग्री मिनट की सुई, मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री, इसलिए 5 मिनट में, ना वो बता रहा है कि 5 मिनट का क्षेत्रफल निकालिए, तो 5 मिनट में कितना, तो एक मिनट में 6 डिग्री, इसलिए 6 × 5 यानी कि हो जाएगा 30 डिग्री। इसलिए हम बोलेंगे भाई कि थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री। और त्रिज्यन हो गया एक तरीके का, जो मिनट की सुई का लंबाई दिया 14 सेंटीमीटर, तो आर का मान हो गया 14 सेंटीमीटर। तो थीटा का मान 30 और आर का मान 14, तो एक तरीके का त्रिज्यखंड नहीं बन रहा है, देख रहे हैं एक तरह का त्रिज्यखंड बन रहा है। तो यहाँ से आप लगा दीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का कुछ ही होता है फार्मूला, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा की जगह रख दीजिएगा 30, नीचे रख दीजिएगा 360, पाई के जगह पर रख दीजिएगा 22/7, आर का स्क्वायर करना है तो 14 का स्क्वायर कर दीजिएगा, उसको सॉल्यूशन कर दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। लेकिन फिगर जो है इसको बना लेना है, अगर इसको बनाना चाहता है चाहते हैं तो कहीं दूसरे जगह पे नोट कर लीजिएगा कि क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड था, तो हम इसके बारे में बता दिए। चलिए, तो उसके बाद के क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को दोस्तों अगले क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।